यानी कि एसी के वजह से एक है कि भाई हमने गवर्नमेंट के कार्यालयों में एसी का कम से कम इस्तेमाल करो ऐसा ज़रूर बोला गया है, क्योंकि जो हमारे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के गाइडलाइंस है या हमारे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डायरेक्टिव्स है या एडवाइजरीज है उसमें बहुत स्पष्टता से उन्होंने संदेश दिया है कि फैंस का यूज़ करो और अपने अपने खिड़कियां दरवाजे खोल के कार्यालय में बैठो, जिससे कि एक है कि उसका जो लाइफ है वायरस का वो ठंडे इसमें ज़रा वायुमान ज़्यादा हो सकता है और धूप में कम हो सकता है, तो इसीलिए ये गाइडलाइंस के हिसाब से ही सब बोला जाता है। ख़ास तौर पर मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आज डॉक्टर हर्षवर्धन जी से हमने ये भी रिक्वेस्ट की है कि जो रेलवे स्टेशन पे कल से भीड़ दिखाई दे रही है, क्योंकि MMR रीजन मुंबई और पूना इसमें भी काफ़ी हद तक कार्यालय बंद कर दिए हैं और ऑफिसेस प्राइवेट हो गवर्नमेंट के 25% पे ही रन करने के सूचना दी गई है, तो मुझे लगता है कि इसके वजह से लोगों को एक ऐसा लग रहा है कि थोड़े दिन के लिए हम घर जाएंगे। जो छात्र हैं जो पढ़ने के लिए पूना में आए हैं या मुंबई में आए हैं या कुछ कामों की वजह से आए हैं, तो मुझे लगता है रोज़गार के वजह से ये सभी लोग अपने अपने गांव में जाना चाहते हैं, और उसके लिए हमने ये भी रिक्वेस्ट की है कि ट्रेन्स की संख्या बढ़ाएं, और ट्रेन्स की संख्या बढ़ाने की वजह से जितना जल्द हो सकता है ये अपने अपने गांव जाने की व्यवस्था अगर होती है तो रेलवे स्टेशन के ऊपर का जो आज क्राउड है वो कम हो जाएगा, और जिससे कि आज इन्फेक्शन फैलने का जो रिस्क होता है वो भी कम हो जाएगा।